डॉक्टर सिद्धार्थ को मिल रही है जान से मारने की धमकी, तो बोले बीजेपी आईटी सेल ने लीक किया है नंबर। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया था, जहां अब एक्टर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि एक्टर का फोन नंबर लीक कर दिया गया, जिसके बाद से उन्हें लगातार कॉल्स आ रहे हैं। वहीं उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्हें कई लोग भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहे हैं, जहां एक्टर का इल्जाम है कि उनका नंबर तमिलनाडु बीजेपी और आईटी सेल ने लीक किया है। इस बात की जानकारी खुद सिद्धार्थ ने ट्वीट करते हुए दी है। एक्टर ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में लिखा, मेरा फोन नंबर तमिलनाडु बीजेपी मेंबर और बीजेपी तमिलनाडु आईटी सेल ने लीक किया है। पिछले 24 घंटों में अब तक 500 से भी ज्यादा गालियां और जान से मारने की धमकी, कई रेप कॉल्स भी मेरे परिवार के पास आ चुकी हैं। मैंने इन सारे नंबर्स को रिकॉर्ड कर लिया है और पुलिस को दे दिया है। मैं चुप नहीं रहूंगा, कोशिश जारी रखो। अपने इस खास ट्वीट में एक्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया है। सिद्धार्थ ने एक दूसरे ट्वीट में मैसेज का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, ये कई सारे सोशल मीडिया पोस्ट में से एक है जिसमें बीजेपी तमिलनाडु के मेंबर्स मेरा फोन नंबर लीक कर रहे हैं और लोगों से मुझ पर अटैक करने और परेशान करने की बात कर रहे हैं। हम शायद कोविड-19 से जंग लड़ भी लें, लेकिन क्या हम इस तरह के लोगों से जीत पाएंगे? वहीं आपको बता दें कि एक्टर के फैन उनका बहुत साथ दे रहे हैं। वहीं एक्टर ने सभी से सपोर्ट की अपील की है। एक्टर सिद्धार्थ पिछले कई सालों से सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जिस वजह से उनकी आवाज़ को अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक्टर ने बॉलीवुड फिल्म रंग दे बसंती में दमदार अदाकारी की थी। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।